गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन एट योर होम. स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्टिव टिश्यू? स्टूडेंट्स, दे लिंक डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स टुगेदर एंड सपोर्ट देम. और ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में जब ये इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो हम इसको बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू. इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि कनेक्टिव, किसी चीज़ को कनेक्ट करना. कनेक्टिव टिश्यू के मेजर कंपोनेंट होते हैं सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स. मैट्रिक्स आर लूजली अरेंज्ड और वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कॉल्ड मैट्रिक्स. स्टूडेंट्स, सेल्स के अंदर काफ़ी सारा पार्ट्स होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बताता है, ठीक है. और वहाँ सेल्स क्या होती है, लूजली अरेंज हो जाती है, ठीक है, एंड एक दूसरे से सेपरेट भी रहती हैं वो. तो उस जैसे हमारा टिश्यू कब बनता है, जब हमारे पास सेल्स एग्रीगेट होती हैं. जब सेल्स एग्रीगेट हो रही हैं तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस भी है और उस स्पेस के अंदर कुछ लिक्विड फॉर्मेशन भी है जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है. ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज प्रोटीन, ठीक है, उनकी हेल्प से बना है. तो उस मैट्रिक्स को, उस मटेरियल को हमने नाम दे दिया मैट्रिक्स. अब यहाँ पे बात आती है फाइबर्स की. फाइबर्स फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जिसमें कोलेजन और इलास्टिन सबसे ज़्यादा होते हैं. कोलेजन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिन इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एक टिश्यू को, ठीक है. स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. देयर आर वन इज लूज, कुछ टिश्यू हमारे लूज फॉर्म में होते हैं और कुछ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. जो लूज होते हैं उसमें एरोलर और एडिपोज. एरोलर एयर कैविटी बनाता है और एडिपोज एडिपोज फैट वाले होते हैं, ठीक है. अब ये कह रहा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस में क्या होता है, टेंडन एंड लिगामेंट होते हैं. टेंडन्स जो बोन्स टू बोन आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड लिगामेंट. स्टूडेंट्स, टेंडन बोन्स टू मसल अरेंजमेंट होती है एंड लिगामेंट्स बोन्स टू बोन्स अरेंजमेंट होती है. अब आता है हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में हमारी बोन्स, कार्टिलेज और ब्लड, ठीक है. स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, सेल्स एंड फाइबर्स. हमने बताया था हमारी सेल्स और फाइबर्स ये लूजली अरेंज होंगे, ठीक है, कहाँ पे, मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है. ये देखो, ये एक थ्रेड लाइक आपको नेटवर्क नज़र आ रहा है, थ्रेड लाइक, ठीक है. जो ये थ्रेड लाइक नेटवर्क है, ये कोलेजन फाइबर है जो इकट्ठे एक बैंड्स में नज़र आ रहे हैं. और बीच बीच में एक ये रेड कलर का आपको थ्रेड नज़र आ रहा है, ये है इलास्टिक फाइबर, ठीक है. दीज आर द फाइबर्स. और ये कुछ सेल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सेल्स हैं एडिपोसाइट्स. एडिपोज टिश्यू के अंदर एडिपोसाइट सेल्स होती हैं और इनके बीच में न्यूक्लियस और फैट ग्लोब्यूल्स मिलते हैं. हमने अभी बताया जो एडिपोज टिश्यू होता है वो फैट को स्टोरेज करने में यूज होता है. एंड दिस वन इज द फिब्रोब्लास्ट, ठीक है. एंड फिब्रोब्लास्ट इज आल्सो ए प्रोटीनियस फाइबर. एंड यहाँ पे जो ये सेल्स हैं, ये बीच बीच में यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट है और ये सब कुछ मिलकर क्या बना रहा है, एडिपोज टिश्यू. अब हम बात कर रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स एंड फाइबर. यहाँ पे देखो लूज प्रेजेंट है, सेल्स और फाइबर्स यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे. डेंस इररेगुलर टिश्यू, फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट इररेगुलर ओरिएंटेशन मिलेंगे, ठीक है. और ये टू टाइप्स के हो गया, इररेगुलर एंड रेगुलर. जो इररेगुलर ओरिएंटेशन मीन्स डायरेक्शन, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं पे जा रहा है, ठीक है, इनके डायरेक्शंस का ही नहीं पता. तो ये एग्जांपल आप स्किन का ले सकते हो. और अगर आपको रेगुलर टिश्यू मिले, एक रेगुलर पैटर्न में मिले, तो आप बोलोगे टेंडन एंड लिगामेंट आर द एग्जांपल ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और वो भी रेगुलर टिश्यू. नाउ वी डिस्कस अबाउट बोन्स. बोन्स इज ए मैट्रिक्स, इज हार्ड एंड नॉन पाइलेबल.
रिच इन कैल्शियम साल्ट, ये हार्ड होते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होती, और कैल्शियम साल्ट्स और कोलेजन फाइबर के डिपोजिशन से बनी होती है। इट ऑकर इन कंक्रीट लेयर कॉल्ड लैमेली, एक कंक्रीट लेयर जो कैल्शियम की बनी होती है, उनकी बनी होती है, जिसका हम लैमेली बोलेंगे। अराउंड द हवसियन कैनाल विच कैरी ब्लड एंड देयर ओस्टियोसाइट्स आर इरेगुलर बोन सेल्स लोकेट इन स्पेस कॉल्ड लक्यूना। हम इस सारे को डायग्रामेटिक फॉर्म से समझते हैं बच्चों। दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन्स, बोन्स तो वैसे इलेंगेट होती है, ये इनर स्ट्रक्चर है बच्चों। ये जो ब्लैंक स्पेस आपको नजर आ रहा है, ये तो इसका मैट्रिक्स है, और ये एक ओरिएंटेशन फॉर्म में ये बोन्स की ये सेल्स प्रेजेंट हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया है ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, जब बोन्स की स्टडी बोलते हैं ओस्टियोलॉजी या फिर ओस्टियस्ट, जैसे डेंटिस्ट होते हैं, इसके ओस्टियोलॉजी होते हैं। ठीक है, ओस्टियोलॉजिस्ट। अब ये देखो, ये सेल्स के ये जो पॉइंटेड फॉर्म है, इसको तो कैनालक्यूली बोला गया है, और जो ये डिप्रेशन वाला पार्ट बन रहा है, देखो जैसे एक ये, फिर ये, और फिर ये, और ये स्टार शेप जो सेल बन गए, ये तो ओस्टियोसाइट्स सेल्स हैं। ठीक है, ये सेंटर में ये इसकी सेल्स हो गई, और जो ये आउटर बाउंड्री है इसकी हार्ड वाली, ये डिप्रेशन वाला पार्ट लैक्यूना, और ये पॉइंटेड पार्ट आ गया कैनालिक्यूली, और यहाँ पे एक माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पाथवे होता है जिसका नाम है हेवर्सियन कैनाल, जो बोन्स के बीच में सेंटर में प्रेजेंट होती है, और ये साइड वाली सेल्स जो हैं ओस्टियोसाइट्स, ये नर्व और वेसल से इनके इंटरकनेक्टेड होती हैं, जो यहाँ पे ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करती हैं। अब स्टूडेंट हम स्टडी करते हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज क्या होता है बच्चों? मसल्स टू मसल्स। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेशन होती है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है मसल टू मसल्स के बीच में, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। जैसे मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सेमी रिजिड प्लायबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। कंप्रेशन ये भी नहीं होती, ये इनकी एक कैविटी होती है, ये बाहर वाली एक लेयर है प्रीकॉर्डियम, जो कॉन्ड्रियम ये बनाती है, और कॉन्ड्रोसिस्ट इनकी सेल्स होती हैं, जहाँ पे यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स था, यहाँ पे कॉन्ड्रियोसाइट्स जो कार्टिलेज को बना रही है। दिस वन इज द, ये इनका मैट्रिक्स, और इनकी आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे? लैक्यूना। यहाँ पे भी आउटर वॉल को हमने लैक्यूना बोला। ये हार्ड सब्सटेंस कैल्शियम लाइक एंड फॉस्फोरस लाइक सब्सटेंस से बनी होती हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा ब्लड को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए nice day.